हरिओम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए देखिए इस तरह का थ्रेड ऑर्गेनाइज बना के लाए हैं। देखिए, हमारे घरों में सभी के पास थोड़ी सी रील, सिलाइयाँ, कुछ ऐसा सभी रखते हैं हम। तो आज हम इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए देखिए, हमने एक जूते का डिब्बे का प्रयोग किया है। तो देखिए, मेरा ये जूते का डब्बा इस तरह का है। तो आपके पास किसी भी तरह का जूते का डिब्बा हो, आप उसके प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, आज हम देखिए इस तरह के जूते के डिब्बे का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जूते का डिब्बा और कुछ बच्चों के खाली स्केच जो ख़राब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, टोटल ऑफ इस तरह के स्केच चाहिए और एक थर्मोकोल की शीट चाहिए। तो देखिए, अब हम इसको शुरू कर रहे हैं बनाने के लिए। तो इस तरह से हमें एक डिब्बा लेने के बाद देखिए, अंदर से देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी यहाँ पर अंदर टेप लगा रखी है, क्योंकि हमारा नीचे से ओपन था। तो इसमें हमारे दूसरे वाले डिब्बे में तो बिल्कुल भी ठीक था, तो इसमें हमने कोई टेप नहीं लगाई। तो इसमें हमने एक थोड़ी सी टेप लगा ली है। तो इस तरह से टेप लगाने के बाद हमें एक थर्मोकोल की इस तरह से एक इसके अंदर के जितना हमारा स्पेस है उस हिसाब से एक शीट को कट कर लें। देखिए, इस शीट को इस तरह से कट करने के बाद इसमें फिट कर लें इस तरह से। और अगर हमारा ये देखिए स्पेस इसमें थोड़ा सा बच रहा है, तो हमें इतना थोड़ा सा और टुकड़ा यहाँ पर ऐड कर देना है। देखिए, और इसको अच्छे से फिट कर दें। और एक और हमें गत्ते का टुकड़ा लेना है, देखिए इसके अंदर जो हम बिल्कुल फिट हो सके इस हिसाब से काट लेना है। तो मैंने ये इस तरह से काटा हुआ है और इंची टेप से देखिए मैंने इसमें निशान लगाए हुए हैं एक एक इंच के अकॉर्डिंग, ताकि हमें जब हम रील्स की स्टिक लगाएं तो उसमें हमें दिक्कत ना हो। तो इस तरह से इस गत्ते को भी हमने इसमें फिट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फिट करने के बाद देखिए, अब हमने स्केच पेन लेने हैं। देखिए, ये हमारा बिल्कुल वेस्ट स्केच पेन है, तो हमें सभी स्केच पेन को इक्वल काट लेना है। देखिए, इस तरह से बिल्कुल आसानी से कट जाता है। देखिए, ये हमने नाइफ़ की हेल्प से काटा हुआ है। देखिए, यहाँ से हमने नाइफ से इस तरह से निशान लगाया। ये देखिए, निशान लगाने के बाद देखिए, अब हम इसको इस तरह से काटेंगे और बिल्कुल आसानी से कट जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अपने सभी स्केचेस को भी काट के रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें अपने ये देखिए एक मोटे स्केचेस होते हैं, इनका यूज़ नहीं करना, ये थोड़ा से बारीक हो जो कि हमारी देखिए इस तरह से रील के अंदर जा सके। देखिए इस तरह से, तो इस तरह के स्केच का आप चूज़ कीजिए। तो इस तरह से आप मोटे स्केच का यूज़ मत कीजिए। तो इस तरह से आप अपने स्केचेस भी काट लीजिए। और अब हम एक हार्ड पैन लेंगे। देखिए, इसके आगे हमने रिफिल नहीं लिया हुआ है। तो इस तरह से हम अब जो हमने ये निशान लगाए हैं उनके अंदर ये देखिए इस तरह से हमने ये देखिए यहाँ से पेन रखा और इसको थोड़ा अच्छे से दबा दिए। देखिए इस तरह से अब हम जो हमारे एवरी देखिए हम ये आपको होल किया हुआ दिख रहा होगा, तो इस तरह से जो हमारे सभी जगह निशान लगे हैं वहाँ पर हम इस तरह से होल बनाते जाएंगे। तो इस तरह से मैं होल बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से सारे इसमें होल करने के बाद अपने ये देखिए स्केचेस को ये देखिए ये हमने स्केचेस को काट रखा है और इसके अंदर होल्स के अंदर ये देखिए इस तरह से फिट कर दिया है। तो इस तरह से आप भी अपने स्केचेस को पूरी लाइन में इस तरह से फिट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्केचेस नहीं है तो आप इस तरह से बच्चों के जो पेन के खाली ये सिक्के होते हैं इनको भी यूज़ करते हैं, जो जिनका ये देखिए ये जो है हमारा ये थोड़ा सा मोटे पेन का पाइप है, तो आप इस तरह के पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह के पतले पाइप का मत यूज़ करें, तो इस तरह का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसी तरह से हम ये लगा देंगे। तो इसी के साथ साथ देखिए, अब हम इसमें आपको रील्स लगा के दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल अच्छे से आ जाते हैं इसमें रील्स। देखिए ये देखिए, ये हमारी थोड़ी सी टेढ़ी हो रही थी, तो ये देखिए इस तरह से ये रील्स बिल्कुल फिटिंग में आते हैं और बिल्कुल हिलते नहीं हैं, बिल्कुल एकदम सही रहते हैं। तो इस तरह से आप अपने रील को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ देखिए, हमने यहाँ पर साइड में एक और लाइन भी लगाई है, आप चाहे तो वहाँ भी लगा सकते हैं। अगर आपकी
जिस तरह से रील्स रखने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो आप इस तरह का देखिए, खाली जो बेबीज वाले डिब्बे होते हैं इस तरह का भी डब्बे को यूज़ करते हैं। जिनके पास ज़्यादा रील्स रखने के लिए है तो आप इस तरह के डब्बे का यूज़ भी कर सकते हैं। ये रेडीमेड के दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक और बात कि अगर आपके पास सिलाई वगैरह भी होती है, जैसे हमारे पास हम निटिंग करते हैं तो इस तरह की सिलाइयाँ भी हम यूज़ करते हैं रहते हैं, तो इस तरह से आप सिलाइयों को इस तरह से एक अगरबत्ती का, जो हमारे पास खाली डिब्बे घर में सभी के पास होते हैं, तो इस तरह से आप उनमें सिलाइयाँ भी रख सकते हैं और उसको देखिए इस तरह से साइड में रख सकते हैं, ताकि आपको थ्रेड सिलाई ढूंढने के लिए कहीं इधर उधर देखना ना पड़े, तो एक साइड पे पड़ी रहेंगी और इससे हमारी सिलाइयाँ टेढ़ी भी नहीं होती। और दूसरा, जिनके पास देखिए इस तरह के सिल्क वाले थ्रेड होते हैं, तो आप इनमें सिल्क थ्रेड्स को भी इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रख सकती हैं। और सिल्क वाले थ्रेड में आप देखिए ये लास्ट में, इसमें हम जब रखते हैं तो इसको इस तरह से बंद कर कर थोड़ी सी टेप लगा लें, ताकि हमारा थ्रेड खुल कर फिर से उलझे। तो जिस तरह से हमने देखिए ये हमने थोड़ी सी टेप ली और इस थ्रेड के ऊपर इस तरह से चिपका दी, तो इससे हमारा थ्रेड बिल्कुल खुलता नहीं है। तो इस तरह से आप इस थ्रेड को भी ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। और जैसे हम मशीन में फिरकी वगैरह काफ़ी कई बार भर कर रख देते हैं, तो उनको भी इस तरह से देखिए, इसके लिए हमें बारीक वाले देखिए इस तरह के पिन वाले लगाने पड़ते हैं, तो इसके लिए आप ये भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे हमने इसको इसमें अब ये देखिए फिट कर दिया हमने इसमें, देखिए इस तरह से हम इसमें फिरकीज वगैरह भी रख सकते हैं, ताकि हमें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू सो मच।